हेलो एंड वेलकम बैक टू वंदिता's किचन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वंदिता's किचन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पनीर पसंदा की रेसिपी। जी हाँ, पनीर की सब्ज़ी तो बहुत खाई होगी, लेकिन पनीर पसंदा इज़ लिटिल बिट डिफरेंट, दूसरे ग्रेवीज़ और करीज से थोड़ा अलग होता है। सो लेट्स बिगिन विद द रेसिपी। तो सबसे पहले हम हमारी कढ़ाई में थोड़ा तेल ले लेंगे। तो हमने लिया है 2 टेबल स्पून ऑयल। इसी में हम डालेंगे हमारे सूखे खड़े मसाले। तो ये है दालचीनी यानी सिनेमन, 4 दाने हमारे लविंग के यानी क्लोव्स, हमने यहाँ 2 इलायची भी ले ली है, सो हरी इलायची छोटी वो भी डाल देंगे, और जावित्री, ये जावित्री है, इसे हम मेज भी कहते हैं, तो ये भी हमने डाल दिया तेल में। इसी में हम डालेंगे प्याज। तो यहाँ मैंने 2 बड़े प्याज ले लिए हैं और इसे हमने बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया। बड़े टुकड़ों में इसलिए काटा है कि ये आराम से सॉफ्ट हो जाए और हम इसे पीस लेने वाले हैं, इसीलिए हमने इसे बड़े ही पीस में काटा है। और इसी में हम डालेंगे टमाटर। तो ये हमने 2 टमाटर लिया है, एकदम लाल और पल्पी। पक जाए, एकदम सॉफ्ट हो जाए, तब तक हमें इसे कुक करना है। 2 मिनट के लिए इसे ढक लें। दो 2 मिनट हो चुका है एंड लुक एट दिस। प्याज हमारा अच्छे से कुक हो गया है, एकदम सॉफ्ट। अब हम इसमें काजू डाल लेंगे जो मैंने भिगा लिए थे करीब 1 से 1.5 घंटे के लिए, और ये हमने 12 से 15 काजू ले लिए हैं। ये एकदम सॉफ्ट हो चुका है, तो हम इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे और पीस लेंगे। अब इसी कढ़ाई में हम लेंगे थोड़ा सा घी, सो जस्ट अबाउट 1 टेबल स्पून। जैसे ही हमारा घी थोड़ा गर्म हो जाए, हम इसमें डालेंगे शाहजीरा। ये शाही ज़ीरा है, आपको अगर शाही ज़ीरा ना मिले तो आप रेगुलर ज़ीरा, क्यूबन सीड्स भी डाल सकते हैं। इसमें हम डालेंगे 1 तेज पत्ता, एक टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। शाही ज़ीरा का अलग ही थोड़ा फ्लेवर आता है। और अब बारी है हमारे पिसे हुए प्यूरी के डालने की। ये गया हमारे कढ़ाई में, कैसी कितना बढ़िया और गाढ़ा ग्रेवी बनेगा इसका। इसमें हम थोड़ा पानी डाल के इसमें डालेंगे, बट थोड़ी देर के बाद इसे अच्छे से मिक्स करें ताकि नीचे से जले नहीं, और धीमी आंच पर ही इसे रखें। अब हम इसमें डालेंगे सारे सूखे मसाले। अब इसमें हम डालेंगे 1/4 चम्मच हल्दी, आधा चम्मच मिर्ची का पाउडर, ये तीखी वाली मिर्ची है, 1 चम्मच धनिया जीरा पाउडर, और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। अच्छे से मिक्स कर लें। और जो मैंने बताया था कि इसमें हम पानी डाल के पूरा निकाल लेंगे मिक्सर ग्राइंडर से, तो मैंने पानी इसमें ऑलमोस्ट आधा कप जितना डाला है। और अब इसे हम पकने देंगे, नमक स्वाद अनुसार, और इसे हम ढक लेते हैं 5 मिनट के लिए। ये हमारा ग्रेवी हो गई है रेडी, जूसी, नाइस एंड ऑरेंज और एकदम क्रीमी। और अब हम हमारी पनीर पसंदा की तैयारी करते हैं। तो यहाँ हमने पनीर का स्लैब ले लिया है और उसे हमने काट लिया है इस तरह से ट्रायंगल में। ये हमारा 4 ट्रायंगल्स हो गए, काफ़ी बड़े हैं, सो हम इसे और छोटा कर लेते हैं। सो लुक एट दिस, सो ऑलमोस्ट हमारे 8 पीसेस हो जाएंगे इसके, राइट। और काफ़ी अच्छी थिकनेस है, इसीलिए हम बीच में से इसे इस तरह से कट करेंगे और इसी के अंदर हम लोग फिलिंग करेंगे। तो इस तरह से मैं सारे पनीर को काट लूँगी और अब हम बनाएंगे फिलिंग। तो ये है ग्रेटेड पनीर, पनीर को हमने छीन लिया है, तो ये हम निकाल लेते हैं प्लेट में। और यहाँ मैंने लिया है धनिया, सो जस्ट हैंडफुल धनिया इस तरह से बारीक काट लिए हैं। थोड़े से काजू, भीगे हुए जो काजू थे उसी को मैंने 4 काजू को इस तरह से टुकड़े कर लिए हैं। और पुदीने की पत्ती, सो ये भी हमने इस तरह से तोड़ लिया। और अब इन सबको हम मिक्स करेंगे। तो यहाँ हम थोड़ा सा जीरा पाउडर लेंगे, सो अबाउट आधा टीस्पून, थोड़ी सी तीखी मिर्ची, तो ये हमने 1/4 चम्मच लिया है। आप इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, बट हरी मिर्च इसमें मुंह में आएगा इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। और थोड़ा सा नमक, ओके, स्वाद अनुसार। और इन सबको आप कर लें मिक्स इस तरह से। तो ये हमारी फिलिंग हो गई है रेडी। और अब हम इसे हमारे पनीर में स्टफ़ कर लेंगे, सो जस्ट लाइक दिस, राइट। तो हमारे सारे पनीर हम इस तरह से स्टफ़ कर लेंगे। अब हम हमारे पनीर को फ्राई करेंगे और शैलो फ्राई करेंगे, लेकिन उससे पहले हमने यहाँ लिया है कॉर्नफ्लोर, ये मैंने 1/4 कप लिया है। और उसी में हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, डालेंगे मिक्स। पानी मैंने सिर्फ 2 से 3 टेबलस्पून डाला है। इफ यू कैन सी, काफ़ी थिक होना चाहिए इसका स्लरी। अब हम डालेंगे पनीर, सो पनीर इस तरह से डिप कर लें। ये खाली बाइंडिंग के लिए है। और इसमें हम इस तरह से सारे पनीर को फ्राई कर लेंगे। तेल हमने शैलो फ्राई के लिए रखा है, सो पैन में जस्ट 1/4 या 1/2 कप तेल लें और इस तरह से डाल लें, यहाँ से पलट लें। You'll see this, बढ़िया सा ब्राउन हो चुका है हमारा पनीर और हमारा पनीर हो गया है रेडी। तो सबका पसंदीदा पनीर पसंदा हो गया है रेडी। बहुत इजी है ये रेसिपी, थोड़ी सी लंबी है बट बहुत मज़ेदार है। तो आप भी आपके डिनर में ये बनाइए और मुझे बताइए कैसा लगा। सो सी यू नेक्स्ट टाइम विद सम लवली रेसिपी विद